स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, जहां पर एंजल ब्रोकिंग के जो एनालिस्ट है समीर चौहान, उन्होंने दो स्टॉक्स के ऊपर अपनी राय दी है। यहां पर हम बात करने वाले हैं आईटीसी की और आईसीआईसीआई बैंक की। आईटीसी में उन्होंने अभी बाय करने की सलाह दी है और आईसीआईसीआई बैंक को सेल करने की। पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है और किस लेवल्स पर आपने इसे बाय किया या फिर आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स वो हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। पीछे के रीजन हम जरूर जानेंगे, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है और यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है, इसके अंदर चार पॉइंट से मेनली सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक सिखाया जाएगा। अगर आप एकदम नए हैं स्टॉक मार्केट में तो भी ये आपके लिए एकदम सही कोर्स है, क्योंकि आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। फिर आपको स्कैनिंग सिखाई जाती है, टेक्निकल एनालिसिस एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और फिर फंडामेंटल एनालिसिस आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इन सारी चीजों के लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। डीमेट अकाउंट आप जैसे ही ओपन करवा लेंगे आपको मुझे इस नंबर पर टीएफएस लिखकर व्हाट्सएप करना है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए हैं, जिरोधा और एंजल ब्रोकिंग, आप कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में अब चलते हैं हम उस न्यूज के ऊपर और देखते हैं क्या खबर एक्चुअली में। सो आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी मतलब आज की ही ये एनालिसिस है उनकी, और यहाँ पर उन्होंने पहले थोड़ा सा मार्केट का ब्यौरा दिया। एक्चुअली उन्होंने कहा है यहाँ पर कि बजट के बारे में, बजट बहुत ही शानदार रहा है, और उसके बाद में जितने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक ग्रोथ दिखाई है ऑलरेडी। लेकिन इन कुछ दिनों में मतलब अगर आप देखें तो 1 फरवरी को बजट आया था, उसके बाद बहुत जल्दी यहाँ पर एक अच्छी खासी आप बोल सकते हैं कि अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं आईटीसी के ऊपर, आईटीसी के ऊपर क्या व्यू है ये देख लेते हैं। तो उनका व्यू जो है आईटीसी के ऊपर वो बुलिश है, और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर अभी हम बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करने के पीछे रीजन दोस्तों ये है कि मंथली जो चार्ट है वहां पर सिंपल मूविंग एवरेज में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था। इवन दो जब इतना बड़ा क्राइसिस भी आएगा, मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर, तो जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी आया था अभी मार्च के दौरान, ये मंथली चार्ट है, तो वहां पर भी आप देखें तो 200 का जो एक सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक नहीं गया था, तो वहां पर उसने एक बहुत ही अच्छा एक बेस बनाया और उसके ऊपर ही फिर अभी हमें ट्रेड होता नजर आ रहा है। साथ ही में कोरोना के बाद तो उसने बहुत ही अच्छे अपने आप को एक रिकवरी भी बहुत अच्छी इसने अपने आप पर कर ली है। तो इनका ऐसा मानना है कि यहां से अभी ये बहुत अच्छी मूवमेंट और भी दिखा सकता है। तकरीबन अभी ये जो स्टॉक है वो 232-233 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात हो रही है, सर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वापस से ये स्टॉक 225-228 के बीच में आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा इसका 250 का रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट की आपको रेंज दी जा रही है इनकी तरफ से, वेरी ना शॉर्ट टाइम, कोई एक लंबे टाइम का इन्होंने टारगेट नहीं दिया है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि यस आप एक स्टॉप लॉस भी लगाकर चलिए 215 का, मतलब 215 का अगर नीचे आता है तो मे बी तो बेरिश में एक बुलिश से बेरिश में वो मोमेंटम में चला जाएगा, देन और भी नीचे आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। 20 से 25 दिन के अंदर ऑल्दो ये पूरा का पूरा टारगेट अचीव होना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। तो दोस्तों आईटीसी के ऊपर जो है आपको टारगेट मिल गया है। मैं अगर आपको आईटीसी का टिकट टाइप पर ले जाकर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी चेकलिस्ट हैं सब में आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू भी ग्रीन है, राइट। डिविडेंड हर बार ये दे रहा है, एंट्री पॉइंट करने के लिए एकदम सटीक टाइम है, और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग का मतलब कोई भी प्लेज नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा अनवांटेड नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, हम सभी जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर में है, मेनली आईटीसी एक टोबैको मतलब बनाती है, और टोबैको की लत जो है ऑल्दो खराब होती है इन अ लाइफ टाइम, बट स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो सब लोग इसे एक लत की तरह चलती है तो ये कोई छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर ग्रोथ आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर मैं वो कुछ की मैट्रिक्स बताऊं यहाँ पर, तो देखिए सेक्टर का पी अभी 49 तकरीबन चल रहा है और इसका पी 18 है, मतलब कितने कम प्राइस पर ये अवेलेबल है आप दे सकते हैं। सेम अगर आप
प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 4.38 है, और सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो तकरीबन 10.78 है। कितने कम प्राइस पर ये अवेलेबल है आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ और चीजें देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम एनालिसिस की रेटिंग देखें, क्योंकि देखिए ये जो टूल है टिकट ऐप, यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल मुझे लगता है, इसीलिए भी यहाँ पर 35 एनालिस्ट ने अपनी राय दी है, और उनके मुताबिक जो है ये स्टॉक अगले एक साल के अंदर मतलब फेब 2022 तक 365 का एक हायर रेंज टच कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टारगेट है, 100 पॉइंट के ऊपर का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, और मीडियम में भी 250 का टारगेट है। तो आप कह सकते हैं कि ITC एक अच्छा स्टॉक है शॉर्ट टर्म में अगर आप लेते हैं उसके लिए भी, और अगर मान लीजिए आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी इसकी लॉन्ग टर्म में भी रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये फाइनेंशियल में अगर हम जाएंगे तो देखिए फाइनेंशियल में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर 2017 से लेके 2020 तक लगातार इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसी भी स्टॉक की अच्छी पहचान होती है। अगर हम बात करें दोस्तों किसी भी पॉइंट की, देखिए एबिटा आप देख लीजिए लगातार बढ़ रहा है, राइट। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 10,000 से लेके अभी 2020 चल रहा है, 17 से 2020 के बीच में तकरीबन 10,000 से ये 15,000 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका अभी हो चुका है। लगातार दोस्तों ये डिविडेंड दे ही रहे हैं। एक किसी भी अच्छे स्टॉक की पहचान क्या होती है कि वो डिविडेंड देता है, और ये लगातार आपको डिविडेंड भी दे रहा है। इसके अलावा अगर हम होल्डिंग्स में जाएं तो देखें, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको डिविडेंड दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर आपको हर साल 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल जो है ये स्टॉक आपको डिविडेंड देता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। तो ओवरऑल ये स्टॉक दोस्तों बहुत अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा टाइम है, और फंडामेंटली तो ये स्टॉक जबरदस्त है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि है ICICI बैंक। मैं आपको लिए चलता हूँ। अभी ICICI बैंक में इनका व्यू जो है वो बेयरिश है, इनका ऐसा मानना है कि अभी ये स्टॉक नीचे आ सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन दोस्तों बड़ा ही सिंपल है और सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि ये स्टॉक ने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही एक 500 की रेंज से आप बोल सकते हैं 630 से ऊपर का एक आप बोल सकते हैं कि प्राइस को टच किया है, राइट। करेंटली अभी जो ये स्टॉक है अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखें तकरीबन 627 पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है ICICI बैंक। और समित चौहान का ऐसा मानना है कि अगर ये 620 से 624 के बीच में आ जाता है तो आप इसको सेल कर दीजिए, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 585 तक का है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही। ऑल्दो इनका ये शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और टारगेट जो है इन्होंने वो 585 का दिया हुआ है, साथ ही में स्टॉप लॉस उन्होंने 637 का दिया हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला है। बिकॉज इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला है। देखिए फिर से हम चलते हैं टिकट टाइप के ऊपर और आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखिए ICICI मैं यहाँ से चूज करता हूँ, और देखिए अभी करेंटली ये 627 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ओवरबॉट जोन पर ही आ गया है, ये हम सभी जानते हैं। सेक्टर इसका प्राइवेट बैंक है और एक लार्जर कंपनी है, राइट। यस सेक्टर का पी देखिए यहाँ पर 29.665 है, और इसका खुद का पी जो है 41.47 जा चुका है, मतलब ऑलरेडी दोस्तों ये काफी ऊपर जा चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर की 2.58 है, और इसकी खुद का इसका खुद का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3 से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सब जगह आपको संकेत मिल रहे हैं, इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, राइट। इसके अलावा मैं आपको चीज और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये फोरकास्टिंग में जाएंगे हम। देखिए क्यों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उन्होंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 44 एनालिसिस्ट ने अपनी राय दी है, और 44 में से 44 ने ही इसको बाय करने की सलाह दी है, और अगले आने वाले एक साल में इसका जो टारगेट है वो 826 का दिया है। आप समझ सकते हैं, राइट, अभी 627 पे चल रहा है तो 200 पॉइंट का एक के टारगेट देना वो भी आने वाले एक साल के अंदर ही, तो काफी इंप्रेसिव है ये स्टॉक, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इन्होंने बोला है कि आप इसे सेल कर सकते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग है उसके चक्कर में, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे 300-350 में बाय किया होता तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो करने ही वाले हैं। बट कुछ स्टॉक डेफिनेटली आपको रखना चाहिए यहाँ पर ताकि वो आगे के काम आए। कुछ चीजें फाइनेंशियली मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ICICI बैंक के बारे में कुछ पता चल पाए। देखिए
अगर रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2017 से लेकर 2020 तक के बीच में कितना अच्छा एक ग्रोथ आया हुआ है, राइट? आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखिए, आप नेट प्रॉफिट 2018 से अगर आप देखोगे तो 7,000, देन आफ्टर 2019 में ये कम हुआ, लेकिन 2020 में इसने सब चीज को बीट करते हुए अभी 9,500 का नेट प्रॉफिट दिया है, और इसीलिए हमें ये इतनी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दी है। दोस्तों इवेंट्स की अगर बात करें, इवेंट्स में जाकर अगर आप डिविडेंड देखोगे ना, तो हर साल इसने डिविडेंड दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2020 में जो है उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि हर साल उन्होंने डिविडेंड दिया है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में आप इसे सेल कर सकते हैं, और टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपका क्या व्यू है दोनों स्टॉक के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है ये मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में और इस कोर्स को कैसे लेना है उसके बारे में। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।